हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमारे दशहरा का भी सीजन चालू हो चुका है और आज से 48 पिछले 48 घंटे तक ये रोड बंद रहेगा, ब्लॉक रहेगा और बिजली भी नहीं रहेगी। तो चलिए दिखाते हैं हमारे हनुमान जी कैसे निकलते हैं बाहर, क्या प्रोसेस है पूरा दिखाते हैं आपको। इसके लिए पहले चलते हैं। तो जब मैं मंदिर की तरफ आया तो देखा कि रोड ब्लॉक हो गया, एनएच ब्लॉक हो गया और जेसीबी से मिट्टी कोर दी गई है और हनुमान जी का जो रथ है वो अंदर चला गया और हनुमान जी को बाहर निकालने की बारी। तो इनका मुटु कुटु सब उतार दिया गया था और हनुमान जी को बाहर निकालने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी थी और बहुत ही मकसद करने के बाद हनुमान जी धीरे धीरे बाहर आ रहे थे और फाइनली हमारे हनुमान जी को निकालने के लिए बहुत सारे लोग आ चुके, क्योंकि एक दर्शन पाने के लिए हनुमान जी के लिए लाखों भीड़ होती है। फिर हमने देखा कि हनुमान जी बाहर आ चुके हैं, उनको जल्दी जल्दी से रथ की तरफ ले जाया जा रहा था और फाइनली हनुमान जी रथ के पास आ गए और रथ में इनको चढ़ाया जाएगा और चलते हैं अब आगे। देखिए हनुमान जी आने वाले हैं हमारे घर के पास। फाइनली हनुमान जी हमारे घर के पास आ गए हैं और ये है मेरा छोटा भाई जो ऊपर चढ़ के पूजा कर रहा है। और ये विसर्जन 48 घंटों तक चलेगा और 48 घंटे तक रोड ब्लॉक रहेगी, ना बिजली रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो फाइनली रात हो चुका है और सब कोई मेला घूमने जा रहा है। तक बुआ, रे बुआ 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 भाई, हमारी छोटी बुआ जा रही है मेला घूमे। काली बेरे मेला से बुआ, काली बेरे दस किस्म की मिठाई, दस किस्म की मिठाई। और ये छोटू है, आया है कोपा से, कोपा बस जिला। राम राम भाई। और सुबह हो चुकी है और चलते हैं आपको दर्शन कराते हैं हनुमान जी का, क्योंकि यहाँ के लगे पड़े हैं और कुछ प्रॉब्लम हो रही है ऑर्केस्ट्रा को लेकर। क्या सावन आज होगा या मूर्ति लगी रहेगी, प्रशासन और पब्लिक के बीच बहुत ही भयंकर तनाव चल रहा है। तो चलिए पहले आपको हनुमान जी का दर्शन कराते हैं। हनुमान जी पिछले 7-8 घंटे से यहाँ खड़े हैं, क्योंकि यहाँ का परंपरा है कि ऑर्केस्ट्रा के साथ भसावन होता है और ऐसा प्रशासन नहीं करने दे रहे हैं। तो अभी हम बाहर हैं, थोड़ा सा भगदड़ उगदड़ होने के बाद बाहर आए तो हमने देखा कि हनुमान जी अभी तक मिलाप करने गए ही नहीं है। हनुमान जी का नानी का घर वहाँ है गुद्दम मोड़ के पास, वहाँ हनुमान जी हर साल जाते हैं, अभी तक नहीं गए हैं। ये तीन चार बजे तक चले जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम के साथ प्रशासन और पब्लिक के बीच में कुछ अनबन चल रहा है, जिसके कारण अभी हनुमान जी वहाँ तक गए भी नहीं है। देखिए अभी हनुमान जी वहाँ जाएंगे कुछ देर में, अब इंतजार हो रहा है ऑर्केस्ट्रा के लिए, कुछ सवाल हुआ है, देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये है मिडिल स्कूल की मूर्ति, ये कोई आखरा नहीं है लेकिन इसका ऑर्केस्ट्रा भी शुरू हुआ है, आप देखिए। तो आपने देखा कि मिडिल स्कूल का ऑर्केस्ट्रा निकल चुका था और अभी आखरा का बातचीत चल रहा था, लेकिन बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और फाइनली आखरा नंबर एक का स्टेज भी सज चुका है। आपको पीछे दिखाते हैं, देखिए आखरा नंबर एक का स्टेज सज चुका है कैसे भी, और पता नहीं क्या वो सब घोड़े वोड़े आए हैं, बहुत ही तनावपूर्वक माहौल है, पता नहीं क्या हुआ है। देखिए अभी हल्ला गुल्ला चल रहा है, स्टेज बनाया गया है फाइनल। लोगों का कहना है कि ऑर्केस्ट्रा होगा तभी विसर्जन होगा, क्योंकि अभी विसर्जन आज हो जाना चाहिए था, अभी हनुमान जी यहाँ से क्रॉस कर चुके लेकिन हनुमान जी अभी मिलाप करने गए ही नहीं है। देखिए बहुत ही आपको अपडेट देते रहेंगे, वीडियो में बने रहें और ऑर्केस्ट्रा भी होगा वो भी दिखाएंगे। और आखा नंबर दो भी ऑर्केस्ट्रा में टोटल ऑर्केस्ट्रा करते हैं, लेकिन आखा नंबर एक जब तक नहीं निकलता है उसके पीछे सारी मूर्तियाँ निकलती हैं। तो फाइनली हमारे आखा नंबर एक यहाँ सब निकलने वाले हैं और ये टंका उनका बजने लगा, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा हो चुका है और ऑर्केस्ट्रा बाहर रोडों पर भी आएगा कुछ देर में। बहुत सारे ऊंट और ऑर्केस्ट्रा ऊपर से आपको दिख रहा है और ये डंका और हनुमान जी, अब हनुमान जी के फेस पे स्माइल है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या प्रोग्राम आगे है या क्या नहीं।
तो फाइनली आखरा लाइन लगने चला गया गोंदा मोड़ पे, और अभी हम फिलहाल आए हैं हम छोटे और इरफान का बहुत दिन से तबीयत खराब था, और आपको फाइनली देखने को मिल रहा है कि सही है पहले से, ये थोड़ा दुबला पतला हो गया है। और अभी फिलहाल हम लोग क्या लेके आए हैं, मॉन्स्टर। ये देखिए छोटो क्लिक कर रहा है फोटो, और ये कितना मस्त लग रहा है, ये मॉन्स्टर, मॉन्स्टर बाइक पे भी और मॉन्स्टर पियेंगे भी। तो चलते हैं मॉन्स्टर पी होकर फिर चलते हैं यहाँ से, और इरफान को घर छोड़ के, और हम लोग फिर आएगा उधर से लगभग 2-3 घंटे बाद, उधर से आखिर आएगा वो भी आपको दिखाएंगे, तो फिर मज़े पूरे लेंगे और मज़े आपको भी दिलाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और साथ ही साथ इनका साथ देने के लिए आते हैं पापा की पड़ी। ओ कजरा वाली मेरी पड़ी मेरा। चलिए और विमल एंड ग्रुप के कलाकार एक बार फिर से हम सब पीछे हैं, जो ये कलाकार सारे असम से बिलोंग करते हैं। Thank you.
फाइनली मूर्ति विसर्जन हो चुका है और करते हैं ब्लॉग को समाप्त। हमको उम्मीद है कि आपको ये दशहरा पूजा अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ से और आपने वीडियो देखा है तो वीडियो में आपको अनुभव हो रहा होगा कि आप यहीं से देख रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी और अच्छे से कमेंट भी मार दे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। मैं हर एक आखरा के पास जाकर वीडियो बनाया और बहुत ही इंजॉय किया, मज़ा भी किया, मैंने बहुत डांस भी किया। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर आप रिव्यूगंज से हैं तो जरूर एक कमेंट कीजिएगा, अगर छपरा से हैं तब भी। तो करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।